हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बॉबी फिशर की बेहतरीन गेम दिखाने वाला हूँ। उनके अपोनेंट थे जेम्स फिडलर। बॉबी फिशर ने गेम की शुरुआत की E4 के साथ। उनके अपोनेंट रिप्लाई जाए C5, ये जाना जाता है स्पेशली सिसिलियन डिफेंस। तो वाइट ने खेला नाइट C3, तो E6, D3, नाइट C6, G3। वाइट का इलादा क्लियर है, इस बिशप को फेंचेटो करना है। तो नाइट F6, बिशप G2, बिशप E7, कैसल बाय वाइट। इसके बाद ब्लैक ने भी अपने साइड से कैसल कर लिया। नाइट D2, रुक B8, रुक E1, E5 करने की तैयारी, इसलिए इस पोजीशन के ऊपर खेला C3, B6, D4, क्वीन E7, देन E5। नाइट के ऊपर अटैक है, तो नाइट गया D4 स्क्वायर के ऊपर। E takes D4, बिशप टेक D6, नाइट E4, डबल बिशप के ऊपर अटैक। तो इस बिशप को ब्लैक ने एक्सचेंज के लिए रख दिया और खेला C5, अपने सी पॉन को पुश किया। ब्लैक ने इस बिशप को एक्सचेंज किया, ब्लैक बिशप टेक्स क्वीन टेक्स, तो ये नाइट गया G5 स्क्वायर के ऊपर। ब्लैक ने खेला रुक E7, क्वीन C2, स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्रेट ये कि क्वीन को H7 के ऊपर लेकर जाकर चेकमेट करने की, इसे रोकने के लिए उन्होंने किया G6। अलग भी कोई और दूसरा भी वे हो सकता था इस चेकमेट को रोकने के लिए कुछ इस तरह से, लेकिन उन्होंने खेला नाइट G6, तो H4, इसे नाइट को किक करने की ट्राई करना है H5 के बाद, इसीलिए इस पोजीशन के ऊपर ब्लैक ने खेला नाइट F6। और यहाँ पर बॉबी फिशर ने अपने नाइट का सेक्रीफाइस दिया इस पोजीशन के ऊपर। अगर आप किंग से इस नाइट को कैप्चर करते हो, बिशप F4 के बाद आपका ये रुक बचने वाला है नहीं, इसीलिए इस पोजीशन के ऊपर गेम के अंदर इस नाइट सेक्रीफाइस को नाइट से एक्सेप्ट किया था। उसके बाद उन्होंने खेला H5, जस्ट अपने को इस F4 स्क्वायर के डिफेंस को हटाना है और बिशप को F4 स्क्वायर के ऊपर जाकर ब्लैक का इस रुक को विन करना है। इसीलिए इस पोजीशन के ऊपर अगर आप रुक को यहाँ पर मूव करते तो भी ये आएगा, इसीलिए इस पोजीशन के ऊपर उन्होंने खेला नाइट H5, बिशप F4, तो क्वीन की D8 के ऊपर, क्वीन के ऊपर अटैक था इस पोजीशन के ऊपर। इस बिशप को, इस रुक को कैप्चर करना ब्लैक के लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इस पोजीशन के ऊपर ब्लैक इस नाइट को कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप क्वीन से स्ट्रेट फॉरवर्ड इस नाइट को कैप्चर करते हो तो आपको रुक के सामने दो पीसेस देने पड़ेंगे कुछ इस तरह से। इसीलिए इस पोजीशन के ऊपर वाइट ने इस रुक को छोड़कर इस नाइट को कैप्चर किया। रुक के ऊपर अटैक था, तो ये रुक गया B7 स्क्वायर के ऊपर। फिलहाल भी रुक के ऊपर अटैक है और इस एक्सचेंज विन करने की ट्राई कर सकता है वाइट, लेकिन बॉबी फिशर ने इस एच पहले के वाले पॉन को पुश किया H6 के ऊपर। क्वीन टेक्स H4, एच टेक्स G7, इस पोजीशन के ऊपर ब्लैक का किंग टोटली ओपन है। किंग टेक्स G7 ये करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये गलत मूव है। इसके बाद ब्लैक का किंग पूरी तरह से ओपन पेस के ऊपर आ चुका है। इसके बाद बॉबी फिशर ने खेला रुक E7, थ्रेट ए की अगले मूव के अंदर क्वीन विन करने की डिस्कवर चेक के अंदर। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने खेला H5, तो रुक गया E3 स्क्वायर के ऊपर। इस रुक को ओपन फाइल के ऊपर लेकर जाएंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लैक के किंग के ऊपर अटैक करेंगे। इसीलिए F4,
इनको स्केप करने के लिए कोई जगह ढूंढी, नहीं तो यहाँ पर ब्लैक किंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो H3 क्वीन के ऊपर अटैक, क्वीन भी E8 स्क्वायर के ऊपर, बिशप E5 चेक, नाइट से ब्लॉक किया, क्वीन D2 स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने किंग को आगे पुश करने की तैयारी। इसीलिए ब्लैक ने अपने किंग को लेकर भागने की ट्राई की। देन क्वीन G4 यहाँ पर चेकमेट करने की तैयारी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस बिशप को इस नाइट के ऊपर सपोर्ट लगाया। और इस नाइट को व्हाइट ने कैप्चर कर लिया। ब्लैक के पास दूसरा कोई रास्ता था नहीं, इसलिए इस पोजीशन के ऊपर ब्लैक को बिशप कैप्चर करना ही पड़ा। रुक H7 इस पोजीशन के ऊपर ब्लैक के लिए समस्या बढ़ चुकी है, और मैं मानता हूँ कि ब्लैक के हाथ से पूरी तरह से गेम स्लिप हो चुकी है। और इस पोजीशन के ऊपर बॉबी फिशर ने इस क्वीन को एक्सचेंज किया। इस पोजीशन के ऊपर पॉइंट ये है कि आप रुक को कैप्चर करते हो तो भी उसका कुछ ज़्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि गेम के अंदर रुक को ही कैप्चर किया गया था। अब हम देखने की कोशिश करेंगे क्वीन के कैप्चर करने के बाद क्या होगा। अगर आप क्वीन को कैप्चर करते हो, क्वीन टेक्स, बिशप टेक्स, इस पोजीशन के ऊपर ब्लैक के पास एक रुक डाउन है और एक पोजीशन व्हाइट के लिए ऑलमोस्ट विनिंग है। आप तो कुछ इस तरह से चेक आ सकती, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा फायदा होगा नहीं। बिशप C6 इस चेक को बिशप से अगर आप ब्लॉक करने की ट्राई करते हो, जो कि गेम के अंदर हुआ, रुक से ब्लॉक किया और उसके बाद उनके ओपोनेंट ने रिजाइन कर दिया। इस पोजीशन के ऊपर ब्लैक के लिए समस्या बहुत ज़्यादा है। मटेरियल वाइज भी वाइट आगे है और अटैक वाइज भी वाइट आगे ही है, इसीलिए इनके ओपोनेंट ने रिजाइन कर दिया।